अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका दोस्त आपका होस्ट सफदर अली पाकिस्तान लाहौर कबूतरबाजी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं अदनान भाई की छत पे आया हूँ, तो अदनान भाई से इनकी कबूतरबाजी में इन कैसे हुए वो बातें, उसके अलावा लकवे झोले का इनके पास नुस्खा काफ़ी अच्छा है वो आपसे का साथ में शेयर करूँगा, और इनके आपके जानवरों का भी शौक करवाता हूँ। तो चले जरा अदनान भाई की बातें सुनते हैं। जी अदनान भाई जी, तुहानू किवें शौक पिया कबूतरबाजी दा, किवें कबूतरबाजी च आए जनाब तुसी? सर मेरा खानदान पूरा कबूतरबाज। जी जी ठीक है, मेरे दादके कबूतरबाज है। जी जी ते मैं सर पालना सा, ठीक है, ते पापा वगैरह कहने दाना दूना पा दो, दाना दूना पाना सा। जी ठीक है, इंज मैंने शौक नाले पे यार स्कूल जाना था, स्कूलों भज जाना सा, कबूतर पन्ना छाकता बंद हो गया, स्कूल पढ़ने नहीं सर, कबूतर यार लगा रहना सर, पढ़ाई भी नहीं पढ़ नहीं सकना सर। ठीक है सर, फिर कबूतर सारे घर वाले ने बेचते, फिर दोबारा कबूतर में रखे 3 महीने बाद दोबारा फिर कबूतर रखे, फिर सर तकरीबन 35-30 कबूतर तैयार हुए, तैयार कबूतर 35-30 हुए थे, उन्होंने सर तकरीबन 15-20 कबूतर चले गए थे ना, शाम पे कबूतर मेरे 6 बजे 6:30 6:30 इस टाइम पे कबूतर सर, पिछले सीजन च ना 4th महीने उदो कबूतर बैठे हुए अपने आखिरी कबूतर बैठा जी 6:35 पे, ठीक है, पहला कबूतर मेरे बैठे 4 बजे एंड सर कबूतर पूरे हो गए, तो करीबन उस मैं 6-7 शौक वाली किए 6-7 शौक किया, ठीक है, उन्होंने करीबन 15 हाजत होंगे, मुकदरा की हाजत होंगे, कबूतरबाजी है पहाड़बाजी है, इन कोई बंदा नहीं कुछ कर सकता, बिल्कुल दो बारी हरिया मैं सर, तो इंज हूँ शौक घर चलता पे, अगो कबूतर मौसम हिसाब से छाने पे कबूतर इस टाइम। देखिए नाजरीन के, जैसा कि आपको दनान भाई ने बताया कि माशाल्लाह इन्होंने 7-8 दफ़ा शौक किया है मोहल्ले में कबूतरबाजी में, जैसे शौक होता है बाजी वगैरह लगाते हैं, तो माशाल्लाह इनके कबूतर जो है 4 बजे के बाद ही बैठना शुरू हुए हैं, और माशाल्लाह 6:30-7 बजे तक इनके कबूतर घर में बैठे हैं, तो इन्होंने अच्छा शौक किया है। उसके अलावा छोटी एज में कबूतरबाजी में आ जाना और बाजियाँ उड़ाना, उसके बाद जो है बाजी उड़ा के जीत भी जाना, तो ये जो होता है ये भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी अदनान भाई की इतनी एज नहीं है कि जो उस्तादों वाले जो एज होती है जो बंदों की होती है, लेकिन फिर भी अदनान भाई के पास जो है ना काफ़ी नुस्खे हैं, जो इनके समझ लें कि इनके चाचू की वजह से या इनके अब्बू की वजह से इनके पास ये नुस्खे हैं, जैसे कि ये मेरे मोहल्ले में कबूतरबाज हैं जिनके कबूतरों को अमूमन लकवा झोला आ जाते हैं, वो दनान को ढूंढ रहे होते हैं, दनान की पकड़ो यार हमारा ये झोले का इलाज कर दो हमें, ये हमारे लकवे का इलाज कर दो हमें, तो दनान भाई के पास ये नुस्खे हैं तो जो इनको समझ ले विरासत में मिले हुए हैं, तो नाजरीन वो भी आपसे शेयर करूँगा मैं। तो चले ज़रा दनान भाई के, पहले आपको कबूतर में चेक करवाता हूँ, तो फिर आपसे जो है ना 7 कबूतर चेक करवाऊंगा, और साथ ही दनान भाई से जो है लकवे झोले का जो भी फार्मूला होगा आप लोगों के लिए जो है ना मैं शेयर करवाऊंगा इनके साथ, तो आए जरा आपको दनान भाई का कबूतर दिखाते हैं। चले सर दनान भाई, चले जरा मैं अपने कबूतर चेक करवाए। ले नाजरीन आ गया दनान भाई के कबूतर चेक करने के लिए, आए आपको दनान भाई का कबूतर चेक करवाते हैं। जी दनान भाई, सर पिछले सीजन जो ना मेरे है बैठी 4 बजे माथी भाई शौक जी 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 नाजरीन आए ये मादी की आंख का शौक करवाता हूँ मैं आपको। ये वसाख में बैठी है दनान भाई जी, माशाल्लाह जी वसाख में ये मादी जो है ये पहले नंबर पे बैठी थी 4 बजे जो बैठी थी, ये सबसे पहले मादी बैठी थी, चपड़ी मादी है माशाल्लाह, बड़े अच्छे परों की मालक है ये मादी, दुम्ब वगैरह हड्डी वगैरह हड्डी जोड़ की बड़ी प्यारी माती है ये, पंजे बड़े प्यारे हैं माती के। ये साहिल भाई, ये साहिल भाई हैं हमारे अदनान भाई के भाई हैं, ये भी इनके साथ इधर देखें भाई हैं, तो ये अदनान भाई और साहिल भाई मिलके शौक करते इस छत पे, तो
देखें जहाँ पे ये दनान भाई की छत है नाजरीन, इसका मैं मुन भाई को कहूँगा, मुन भाई जरा व्यू दें। देखें दनान भाई की छत के पास जो है ना टोटल जाल ही जाल है, सिर्फ एक छत जो है ना ये दनान भाई की है कि जो सिर्फ पट्टियाँ लगाई हुई इन्होंने, तो जिसको बोलते हैं कि जड़ के अंदर ये जो है ना शोक कर रहे हैं। तो देखें जरा ये दनान भाई की जो छत है, बिल्कुल छोटी सी छत है। तो दनान भाई ने दिखा दिया महल्लेदारों को कि छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बंदे के पास तजर्बा होना चाहिए और कबूतर होने चाहिए उड़ाने के लिए, और पता होना चाहिए कि कबूतर कैसे उड़ाते हैं। जी दनान भाई, यह की फड़े आज हाथ क्यों ना? सर मेरा दूजे नंबर का कबूतर बैठा सी, चार चौंती आ ते देखे नाजरीन, माशाल्लाह बड़ा प्यारा कबूतर है ये, इसकी आंख का शौक करें सबसे पहले। माशाल्लाह इसका नूर देखें कितना ब्रीक है, बड़ी उडार का मालिक है कबूतर, बड़ा सियाना कबूतर है ये। ये देखें नाजरीन इसका आखिरी रिंग जो है बड़ा प्यारा है। ये दूसरा कबूतर दनान भाई का बैठा था जो 4:34 पे बैठा था, ये वो कबूतर है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा कबूतर है। अदनान भाई इसको खप्पे डाल दिया हुआ है भैया, रात रह जांदा सी इसलिए ना मौसम हिसाब में खप्पे पालते। सही हो गया, कबूतर अभी भी इन्होंने छोड़ा हुआ है बाहर। माशाल्लाह बड़ा प्यारा कबूतर है, पंजे वगैरह बहुत प्यारे हैं कबूतर के, हड्डी बहुत प्यारी है, बंद जोड़ों का कबूतर है ये, बिल्कुल नाजरीन शौक करने वाला कबूतर है, बड़ा प्यारा कबूतर है ये। जी अदनान भाई इसके बाद कौन सा बैठा था कबूतर आपका? भाई। कल पेटिया कबूतर है ये, रामपुरी भी है कल पेटिया भी है, जो कोई बोल देगा वही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा प्यारा कबूतर है, बड़े छोपरों का मालिक है ये भी, बिल्कुल बंद दुम्ब का है, एक पर की दुम्ब है इसकी, हड्डी जोड़ बड़ा प्यारा है इस कबूतर का, पंजों का शौक करे। अदनान भाई ये कितने बजे बैठा है आपका ये कबूतर तीसरा? भाई ये बैठा ही अपना 5:30 बजे। ये 5:30 बजे कबूतर बैठा, तीसरा कबूतर जो इनका बैठा था वसाख में, ये वो कबूतर है इनका 5:30 बजे जो बैठा है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा कबूतर है। जी दनान भाई इसके बाद कौन सा बैठा है आपका कबूतर? सर 6:45 बजे बच्चा बैठा ही मैंने, बहादुर सफदर भाई शंकर। लो नाजरीन बच्चे की अख चेक करो, ये दनान भाई का जो बच्चा है ये बैठा है 6:45 बजे दनान भाई। भाई ऐसे ही है। अदनान भाई बता रहे हैं कि जब ये बच्चा 6:45 बजे बैठा है, 2-2 कली में था ये बच्चा मेरा। तो अदनान भाई ये बच्चा कहाँ से आपको आया, कहाँ से? ये तो ब्लड लाइन जो है आपके घर की नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखे ये कबूतर आपके पास। सर ये देखिए इसके पंजे देखें। जी जी ते उन्होंने कहा चलो तुसी भाई शौक कर रहे, मेरे साथ ने कहा से मून साथ मून भाई जेडे कैमरामैन इन्होंने कर देगा ये बच्चा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये नाजरीन ये जो बच्चा है इसके पंजे चेक करें, ये बच्चा जो है ये मेरा कैमरामैन जो मून भाई है मेरे दोस्त मेरे बेस्ट फ्रेंड, ये उनके घर का जो है ना ये बच्चा है, ये उनके घर की ब्लड लाइन है। ये बच्चा 2-2 कली में जो है ये वसाख में जो है बैठा है, 6:45 बजे बैठा है ये बच्चा। ये मून भर के घर के जो स्लेटे हैं ओल्ड स्लेटे जो हैं उनके घर का ये बच्चा है। जी दनान भाई इसके बाद कौन सा बैठा था? जी दनान भाई सदर भाई ऐ बैठी है अपने 6:05 थे, मेरी फेवरेट मार्टी है, घर दे मेरी पट्टी है ठीक है, अब बंद गली दे मेरे को इंदे भैन भरा बंदे जी जी ठीक है। ते दिल सदर भाई मैं दिल ने छू गई मार्टी, मेरी फेवरेट मार्टी है जी जी। ते भाई शौक करा फिर ले नाज़रीन, ये जो है दनान भाई की फेवरेट मार्टी जो घर की पट्टी है इनकी, 6:05 पे कह रहे हैं ये बैठी है मादी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी मादी है ये माशाल्लाह।
तो ये इनके जो है घर की ब्लड लाइन है, इनके घर की पट्टी है ये। तो माशाल्लाह दनान भाई बता रहे हैं कि ये जो है ना मादी, ये मेरी फेवरेट मादी है दनान भाई की, दिल को छूने वाली मादी उन्होंने बताया ये। माशाल्लाह आखिरी रिंग मादी का चेक करें, कलर वाइज भी अच्छी है। अभी इन्होंने खप्पे डाले हुए हैं कबूतर, क्योंकि अभी तो मौसम ही नहीं है ना कबूतरों को छोड़ने का। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी मादी है, दुम्ब वगैरह बड़ी प्यारी है मादी की, बंतर बड़ी प्यारी है मादी की। पंजियों को शौक करें, ये देखिए नाजरीन, ये आपके पांचवी मादी बैठी थी जी। जो 6:05 पे बैठी है, माशाल्लाह ये बड़ी प्यारी मादी है जी। दरान भाई सबदर भाई, ये मेरा बैठा है आखिरी कबूतर, दोमजी कबूतर जीरा जी जी, ये शौक कराओ ले माशाल्लाह। देखिए नाजरीन, ये वो कबूतर है जो दनान भाई की छत पे 6:30 वसाख में बैठा है ये कबूतर। दनान भाई मुझे बता रहे थे कि ये दो भाई उड़े हुए थे उस दिन, दोनों इकट्ठे उड़े हुए थे, तो दोनों इकट्ठे ऊपर से आए हैं, जो ये बैठ गया है और वो दूसरा कबूतर बैठता बैठता दोबारा जाके बंद हो गया है। नाजरीन इसके आइज़ का शौक करें, माशाल्लाह बहुत प्यारा कबूतर है, बड़ी प्यारी आइज़ है इसकी। रिंग देखें एंड वाला, उसके अलावा इसका नूर देखें, बिल्कुल बारीक सा नूर है, बड़ा प्यारा कबूतर है यार, मेरा भी फेवरेट कबूतर है यार। वसाख में ये इसी पिछले साल वसाख में माशाल्लाह ये कबूतर जो है अदनान भाई का 6:30 बैठा है ये। और सातवां कबूतर जो है अदनान भाई बता रहे हैं इसका भाई था, दोनों इकट्ठे उड़े हुए थे, जो ऊपर से आया है और बैठा नहीं घर में, दोबारा जाके बंद हो गया। दुमचीर कबूतर है ये, माशाल्लाह बड़ा प्यारा कबूतर है। जी नाजरीन, ये तो मैंने आपको दनान भाई के उड़ने वाले कबूतर दिखाए हैं। तो नाजरीन अभी कबूतर तो दनान भाई के पास काफ़ी हैं, वो मैं आपको उनका भी व्यू देता हूँ कि जो कबूतर हैं। तो उसके अलावा जो दनान भाई के पास जो नुस्खा वगैरह, दनान भाई कह रहे थे कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो चले दनान भाई की तरफ चलते हैं। दनान भाई जो है आपको बताते हैं कि वो जो भी नुस्खा है जैसे भी है दनान भाई से मैं आपको करवाता हूँ। जी दनान भाई, तो क्या कहते हैं आप नुस्खे के बारे में? साहिल भाई, जैसा कि नाजरीन मैंने आपको बताया कि दनान भाई के पास लकवे का नुस्खा है, तो नाजरीन है आपसे जो लकवे का नुस्खा जो है इनके पास वो दनान भाई शेयर करेंगे। तो अदनान भाई, काफ़ी लोगों के साथ ये मसला है कि लकवे में जानवर आ जाते हैं, उड़ने वाले जानवर खास करके जो है लोगों की ये प्रॉब्लम बनती है कि वो जब लकवे में आ जाते हैं तो उसके बाद जो वो उड़ते नहीं हैं वो जानवर, उसके बाद वो जो है बेचारों को काट के जो है एक उम्र कैद मिल जाती है कि वो रख लेते हैं। तो माशाल्लाह आपके पास ये नुस्खा है, क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्तों से पता चला है कि आपने काफ़ी लोगों के जो कबूतर है ना वो जो है ना आपने वो कबूतर उनको सही करके दिए हैं कि माशाल्लाह वो उड़े भी हैं जाके उनके पास, कबूतर मोरे भी खाई हैं, रातों को बैठे हैं वो कबूतर, जैसे कि मुझे पता चला है। तो अदनान भाई से पूछते हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन आप भी ट्राई करें उसको, इंशाल्लाह ताला अगर भाई सही कर रहे हैं लोगों को दे रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके भी कबूतर ठीक होंगे। तो जी दनान भाई की तुहाडे कोलों नुस्खा हैगा वे लकवे दा, दसो मेरे दोस्तां नूं।